जय हिंद। आई एम कैप्टन याशिका हटवाल त्यागी एंड वेलकम टू शौर्य टेल्स। मेरी नजर में रियल लाइफ स्टोरी से ज्यादा इंस्पायरिंग, इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग कुछ भी नहीं। शौर्य टेल्स में ये मेरी कोशिश रहती है कि आपके लिए इंडियन आर्म फोर्सेस से जुड़ी ऐसी सच्ची कहानियां लेकर आऊं जिसमें जोश, जुनून और ह्यूमन स्पिरिट की बहादुरी दिखाई देती है। आज की कहानी तो इतनी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग है मानो किसी बॉलीवुड मूवी का प्लॉट हो। इंटरेस्टिंगली, लेट सुशांत सिंह राजपूत वॉज मेकिंग और वॉज इन प्लान्स ऑफ मेकिंग अ मूवी ऑन दिस पर्टिकुलर हीरो, लेकिन उससे पहले ही हमने उन्हें खो दिया। बट द स्टोरी स्टैंड्स एंड द हीरो स्टिल स्टैंड्स। आज की कहानी है इंडिया के पहले ओलंपिक मेडल विजेता की, वो इंसान जिसने इंडिया को उसका पहला इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल दिलवाया, इन ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे देश का तिरंगा लहराया और नेशनल एंथम के लिए सब लोग इज्जत से खड़े हुए। दिस इज द स्टोरी ऑफ मुरलीकांत पेटकर, एक ऐसा फौजी जिसने मातृभूमि के अपने हर कर्ज को अपने खून पसीने से निभाया। ही वॉज बॉर्न ऑन 1st of November 1947। महाराष्ट्र में सांगली डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है इस्लामपुर। वहां एक दर्जी के घर पैदा हुए मुरलीकांत पेटकर का जो बचपन था वो गरीबी में निकला। घर में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन फिर भी माता पिता ने अपने बच्चे को स्कूल में डाला, लेकिन मुरलीकांत को पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। स्कूल से स्किप करके वो गांव के एक मशहूर अखाड़े की तरफ चले जाते थे। इफ़ यू नो लिटिल बिट अबाउट द सांगली एरिया, वहाँ कुश्ती और अखाड़े और पहलवानी का एक बड़ा कल्चर है। ये चीज़ें मुरली को बहुत इंटरेस्ट करती थी, तो वो अखाड़े में जाकर पहलवानों को देखते रहते, कभी उनके छोटे मोटे काम कर देते, कभी पहलवान उन्हें ड्राई फ्रूट से भरी हुई जो उनकी ठंडाई बनती है उसे पीसने का काम देते, कभी वो पहलवानों की मालिश करते, और इसके बदले में पहलवान उन्हें भी कभी कभी देसी घी खाने के लिए देते, या वो ड्राई फ्रूट से भरी हुई ठंडाई का दो एक ग्लास उन्हें मिल जाते, और सबसे इंपॉर्टेंट पहलवानी के गुर उन्हें वहां सीखने को मिले। ऐसे करते करते धीरे धीरे मुरली बड़े हो रहे थे। जब वो 12 साल के हुए तो गांव में एक पहलवानी का कंपटीशन चल रहा था। एक शौकिया मैच में, क्योंकि वो तो सिर्फ 12 साल के थे, ही वॉज नॉट अ प्रोफेशनल रेसलर, तो गांव के मुखिया के साथ उनका एक रेसलिंग मैच हुआ, और उस रेसलिंग मैच में उन्होंने गांव के मुखिया के लड़के को चित और पट कर दिया। इसके बाद गांव के दबंग उनकी जान के दुश्मन बन गए। वो मुरली के ऊपर अटैक करने के लिए भागने लगे, मुरली आगे आगे और बाकी जितने गांव के दबंग थे वो उनके पीछे। जान बचाकर छुपते छुपाते मुरली किसी तरह से गांव की सड़क तक पहुंचे। वहां एक बस जा रही थी और मुरलीकांत उस पर लटक गए। वो बस सीधा उन्हें लेकर आई पूना। 12 साल का लड़का, दिखने में तो हट्टा कट्टा था लेकिन उम्र तो छोटी थी ना। खाने के लिए कुछ नहीं, जेब में पैसे नहीं, कुछ नहीं पता क्या करेंगे, डरे हुए थे। एक दिन, दो दिन, किसी ने दया करके खाना खिलाया, किसी ने पानी दिया, और फिर किसी ने एक बड़ी अच्छी सलाह दी कि पूना में आर्मी रिक्रूटमेंट रैली चल रही है। मुरलीकांत वहां पहुंच गए। उस समय फौज में एक बॉयज कंपनी होती थी, उसका रिक्रूटमेंट चल रहा था। क्योंकि मुरलीकांत का शरीर तो पहलवानी और अखाड़े में बन रहा था, खूब लंबे चौड़े दिख रहे थे, और उनकी सिलेक्शन हो गई। अगले ही दिन ट्रेन में बिठाकर बाकी लड़कों के साथ वो बैंगलोर पहुंचे। बैंगलोर जब मुरलीकांत पहुंचे तो उन्हें मजा आ गया, क्योंकि जो उनकी ट्रेनिंग कंपनी थी वहां सब कुछ था जो मुरली को बचपन में कभी नहीं मिला। पेट भर खाना, सोने के लिए एक चारपाई, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज
कि जितने मर्जी गेम्स वो खेल सकते थे वहाँ उन्हें सब कुछ खेलने की फैसिलिटी मिली. एंड नाउ ही वॉज इंजॉइंग फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड बॉक्सिंग. बॉक्सिंग वॉज वन सच इवेंट जिन्होंने उनके जिंदगी को एक नई दिशा दी. खेल कूद में हमेशा इंटरेस्टेड रहने वाले मुरली ने बॉक्सिंग के रिंग के अंदर बहुत अपना नाम कमाया और धीरे धीरे करके आर्मी की चैंपियनशिप्स में वो विनर होने लगे, एक के बाद एक चैंपियनशिप्स जीतने लगे. ऐसी ही एक चैंपियनशिप 1964 में एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप हो रही थी टोक्यो में. दुनिया की जितनी आर्मीज हैं, जितनी मिलिट्रीज हैं, उनका एक होता है इंटरनेशनल सर्विसेज मीट. उसमें मुरलीकांत इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करने के लिए गए और 17 साल के इस लड़के ने अपने जिंदगी का पहला इंटरनेशनल मेडल 1964 में टोक्यो में जीता. वो लड़का जो इस्लामपुर से भागकर आया था, जिसे एरोप्लेन में बैठने में इतना डर लग रहा था कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाना चाहता था, उसने टोक्यो में पहला मेडल जीता. बस इसके बाद तो एक के बाद एक वो और चैंपियनशिप्स जीतते गए. कई तरीके के उन्हें अवार्ड्स भी मिले. बट अनदर लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट वॉज वेटिंग फॉर हिम. वहां जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे, उन्होंने मुरली को शाबाशी देते हुए कहा कि बोलो मुरली, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ. और मुरलीकांत ने कहा, साहब मैंने कभी कश्मीर नहीं घूमा है, मुझे कश्मीर घूमने का एक मौका दिया जाए. और उनके लिए फौज ने सारे इंतजाम किए. मुरलीकांत श्रीनगर पहुँच गए, गुलमर्ग घूमा, श्रीनगर शिकारी में राइड किया. और फिर ये वही समय था जब 1965 की लड़ाई शुरू हो गई. यकायक पाकिस्तान ने हमला किया और मुरलीकांत जिस गोरखा रेजिमेंट के साथ अटैच थे उसे आगे बॉर्डर पर जाने का हुक्म मिला और उसके साथ ही मुरलीकांत भी बॉर्डर एरिया की ओर गए. एक पहाड़ी के ऊपर उनकी यूनिट, उनकी जो प्लेटून थी, उसे मोर्चा बांधने का काम मिला. सामने दुश्मन और इधर गोरखा रेजिमेंट की वो प्लेटून. लड़ाई का समय था, दोनों ओर से गोलाबारी चल रही थी. उस दिन मुरलीकांत को दुश्मन से दो दो हाथ करते हुए गोलियां लगी. एक दो नहीं, 9 गोलियां. 2 गोलियां उनकी दोनों जांघों पर, 2 उनके दोनों काव्स पर. एक गोली उनके स्कल से आकर टकराती हुई निकली जिसने उनके स्कल को मामूली सा फ्रैक्चर दिया. एक गोली उनके राइट गाल से निकली और उसकी आंख को डैमेज किया. लेकिन सबसे बड़ा नुकसान एक उस गोली से हुआ जो उनकी स्पाइन में लगी. वो गोली आज तक मुरलीकांत के स्पाइन में ही लॉज्ड है क्योंकि उसे निकालना उनकी जान के लिए खतरा बन सकता है. लेकिन उस दिन इतनी गोलियां लगने के बाद मुरलीकांत का शरीर उस इम्पैक्ट को झेल नहीं पाया और वो रोल करते हुए पहाड़ी से नीचे गिरे. जैसे ही वो नीचे गिरे, एज लक वुड हैव इट, एक आर्मी की जीप नीचे से निकल रही थी, बहुत स्पीड में थी. और किस्मत की बात है, जैसे ही मुरलीकांत रोल करके नीचे सड़क पर गिरे और वो गाड़ी आई, उस गाड़ी ने उनके दोनों पैरों को कुचल दिया. मुरलीकांत वॉज अनकॉन्शियस, ही वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली. लेकिन जाको राखे साइया, मार सके ना कोई. उन्हें तुरंत रेस्क्यू किया गया, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल. समय बीतता गया और मुरलीकांत की रिकवरी होने लगी. उन्हें होश तो आया लेकिन बाय दिस टाइम ही वॉज 95% पैराप्लेजिक, यानी उनके पैरों में कोई हरकत नहीं थी. इसका सबसे बड़ा एक और नुकसान था कि मुरलीकांत की याददाश्त चली गई. ही डिड नॉट इवन रिमेंबर हिज नेम. एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ कि जिस मिलिट्री हॉस्पिटल में वो थे वहां पर एक जनरल साहब की इंस्पेक्शन थी. उस तैयारी में लोग बहुत यहां से वहां भाग दौड़ कर रहे थे और एक ऐसा ही धक्का किसी से लगा, मुरलीकांत नीचे गिरे. एंड स्ट्रेट आउट ऑफ बॉलीवुड मूवीज, जैसे ही उनके सिर में चोट लगी, मुरलीकांत की याददाश्त वापस आ गई. नाउ कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. मुरलीकांत को आखिरी याददाश्त तो वही थी ना
कि वो जंग के मैदान में है, लेकिन अब तो जंग खत्म हुए तकरीबन 17 महीने निकल चुके थे। मुरलीकांत की याददाश्त लेकिन उसी समय में थी। जैसे ही उन्होंने सामने से वो जनरल साहब को आते हुए देखा, उन्हें लगा कि उन्हें पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया है और वो पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल में है। मुरलीकांत के अंदर का जो वो सिपाही था, जो सोल्जर था, वो जाग गया और दुश्मन को किसी भी कीमत पर मारने के लिए वो तैयार हो गए। सो ही इमिडिएटली रश्ड अहेड और उन्होंने जनरल साहब की गर्दन पकड़ ली। बड़ी मुश्किल से उन्हें ये समझाया गया जब लोगों ने आइडेंटिटी कार्ड दिखाए कि भाई ये इंडियन आर्मी का हॉस्पिटल है, और फिर ही वॉज फिल्ड इन ऑल द डिटेल्स। मुरलीकांत वॉज हार्ट ब्रोकन, क्योंकि जिस आदमी का पूरा जीवन ही स्पोर्ट्स फील्ड में निकला हो, जब उसकी टांगें किसी काम की नहीं रही, तो अब उसके लिए जीने का सहारा ढूंढना बहुत मुश्किल था। सो ही रिक्वेस्टेड दैट ही बी सेंट टू INS अश्विनी। INHS अश्विनी मुंबई में नेवी का हॉस्पिटल है। मैंने आपको पहले भी बताया था, नेवी के सभी इंस्टॉलेशंस को शिप कहा जाता है, इंडियन नेवल शिप, और जो हॉस्पिटल होते हैं उन्हें कहते हैं इंडियन नेवल हॉस्पिटल शिप। तो दिस वॉज INHS अश्विनी। उनके घर खबर भिजवाई गई, उनके परिवार वाले मिलने के लिए आए, लेकिन उनके भाई और उनके पिताजी ने उन्हें एक ऐसी बात बोली कि मुरली कभी उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा, मुरली तुम्हें घर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है और इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हारा ध्यान रख सकें। अब तुम्हारी टांगें किसी काम की नहीं, यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन योर यूरिन और बाउल, तो हम तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाएंगे। और वो चले गए। उस दिन मुरली को लगा कि अब जीने का कोई फायदा नहीं। ही ट्राइड टू कमिट सुसाइड, लेकिन जो स्लीपिंग पिल्स उन्होंने खाई, उनकी बॉडी ने उन स्लीपिंग पिल्स को रिजेक्ट किया। ही वॉमिटेड एंड ही वॉज सेव्ड। जैसे उन्हें उससे होश आया, ही गॉट अ न्यूज दैट ही हैज वन अ लॉटरी ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। मुरली को लगा कि शायद इसमें भगवान का कोई संदेश शामिल है। पहले तो 9 गोलियां लगने के बाद वो बच गए। उनकी याददाश्त जो चली गई थी वो सरप्राइजिंगली वापस आ गई। सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन वो जिंदा बच गए। और ही हैज ऑल्सो गॉट लॉट ऑफ मनी इन लॉटरी। तो अब मुरली के पास अपने आप को हिम्मत बढ़ा के आगे बढ़ने के लिए वो तैयार थे। जितना पैसा उन्हें लॉटरी में मिला, वो उन्होंने नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन के लिए चैरिटी में गिफ्ट कर दिया और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गए। उस समय विजय मर्चेंट, जो एक फेमस क्रिकेटर होते थे, ही यूज टू रन एन NGO एंड अ ट्रस्ट टू रिहैबिलिटेट द सोल्जर्स एंड द पैराप्लेजिक सोल्जर्स जिन्हें युद्ध के दौरान चोट लगी हो। तो एक स्पोर्ट्स टीचर जो विजय मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से उन्हें दिए गए, उन्होंने मुरली को एनकरेज किया कि तुम स्विमिंग करो, स्विमिंग करने से तुम्हारे पैरों की रिकवरी जल्दी होगी। एंड विद हिज अपर बॉडी स्ट्रेंथ मुरली वॉज डूइंग जैवलिन थ्रो, व्हीलचेयर रेसिंग, शॉर्ट पट, आर्चरी, एंड नाउ ही वॉज बैक ऑन द स्पोर्ट्स अरीना। स्पोर्ट्स जो हमेशा से मुरली के जीवन का हिस्सा रहा, अब उसे वापस मिल गया। In 1967, he took part in the first state-level championship. और अपने पहले ही state-level championship जो paraplegics के लिए की गई थी, he got gold medal in all the events of shot put, javelin throw, archery. And it was a huge achievement and a big morale booster for him. और सिर्फ 1967 नहीं, 1967, 68, 69, 70, 71, 72, 73, इतने सालों तक वो एक undisputed champion रहे। Now, state level और national championships के बाद the logical progression was international games. In the year 1969, मुरली represented India in Stokes Mandeville Championship, जो इंग्लैंड में खेली गई।
वहाँ ही गॉट गोल्ड मेडल। उसी साल उन्होंने मेक्सिको में, माने द ईयर वॉज 1969, उन्होंने मेक्सिको में एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीती। नाउ मुरली हैड मेड हिज माइंड कि आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट टू क्रिएट अ हिस्ट्री। अब कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर उनकी नजर थी। द ईयर वॉज 1970। मुरली ने तीन इवेंट्स के लिए क्वालिफाई किया, 50 मीटर स्विमिंग, जैवलिन एंड शॉटपट। ही वॉज द फर्स्ट स्विमर फ्रॉम इंडिया टू गेट अ गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स। और यही नहीं, उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दी। सो ही गॉट अ गोल्ड इन 50 मीटर स्विमिंग, ही गॉट अ सिल्वर इन जैवलिन एंड ही गॉट अ ब्रॉन्ज इन शॉटपट। माई गॉड, इससे पहले ये अचीवमेंट किसी भी एथलीट की नहीं थी। And now, the next step was mother of all games. इस्लामपुर का वो छोटा सा लड़का जो उसने अखाड़ों में अपनी जिंदगी शुरू की, जो जान बचाकर अपने गांव से भागा और फिर किस्मत ने उसे फौज में एंट्री दिलाई। 1965 की लड़ाई में जिसके शरीर में 9 गोलियां लगी, याददाश्त चली गई, पैरों ने काम करना बंद किया, आज वो ओलंपिक गेम्स की ओर आगे बढ़ रहा था। हिंदुस्तान की नज़र उस पर टिकी थी। 1972 में जर्मनी में ये पैरालंपिक्स का आयोजन हुआ। हिस्ट्री वॉज क्रिएटेड। देश की नजरें अपने इस वीर सिपाही के ऊपर थी। मुरली ने निराश नहीं किया, ही वन द गोल्ड मेडल। मतलब 120 स्विमर्स जो अपनी अपनी कंट्रीज के बेस्ट स्विमर्स थे, एक के बाद एक कई हीट्स में कंपटीशन मजबूत होता गया। लास्ट में 8 स्विमर्स बचे। 8 स्विमर्स ने अपनी जान लगा दी। मेडल किसी का भी हो सकता था, लेकिन उस दिन, वो दिन मुरली के नाम था। गोल्ड मेडल मुरली के नाम आया। नॉट ओनली दिस, ही ब्रोक द एग्जिस्टिंग ओलंपिक रिकॉर्ड। देश का तिरंगा झंडा पैरालंपिक्स में लहराया गया। पहली बार किसी इंडिविजुअल इवेंट के लिए ये गोल्ड मेडल हमें मिला। मुरली ने वो कर दिखाया जो उससे पहले सक्षम से सक्षम एथलीट्स नहीं कर सके। मुरली इस देश के वो बहादुर नौजवान थे जिन्होंने 25 साल की उम्र में ही देश को एक गोल्ड मेडल दिलाया। द नेशन सल्यूट्स यू, मुरलीकांत पेटकर। सन 2018 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जय हिंद एंड ब्रावो जुलू टू मुरलीकांत पेटकर। शॉर्ट टेल्स में ऐसी और कहानियों के साथ हम आगे फिर मिलेंगे। तब तक जय हिंद।